गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुबोध सिंह एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द मैथमेटिक्स, कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर 3, एडिशन एंड इन विच वर्ड प्रॉब्लम्स आर गिवन, वर्ड प्रॉब्लम्स हैव बीन टू बी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोना हैज 6 पेन्स, राकेश गेव हर 3 मोर। मोना के पास 6 कलम हैं, राकेश उसको फिर 3 कलम और दे दिया, मोर एक्स्ट्रा दे दिया। हाउ मेनी पेन्स डज मोना हैव नाउ, मोना के पास अब कुल कितने कलम हैं। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, मोना हैज 6 पेन्स, मोना के पास पहले से 6 कलम हैं। राकेश गेव हर 3 मोर, राकेश उसको 3 और दे दिया। हाउ मेनी पेन्स डज मोना हैव नाउ, मोना के पास अब कितने पेन्स हैं। चिल्ड्रन लुक एट द ब्लैक बोर्ड, दैट 6 पेन्स, मोहन हैज 6 पेन ऑलरेडी, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। अगेन वी एड 3 मोर, 1 2 3, नाउ वी काउंट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द पेन्स ऑल टूगेदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड वी राइट 9 हियर, वी राइट 9 हियर, एंड ऑल्सो 6 3 प्लस 6 3 9, इट इज योर आंसर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एंड ये इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। परहैप्स यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, लता बाई 4 टॉयज फ्रॉम 1 शॉप, लता खरीदती है 4 खिलौने एक दुकान से, एंड 5 फ्रॉम एनोदर, और 5 खरीदती है दूसरे दुकान से। हाउ मेनी डज सी बाई इन ऑल, कुल मिलकर वो कितना खरीदती है। चिल्ड्रन लुक एट द ब्लैक बोर्ड, 4, 4 लता पहले 4 खिलौने खरीदती है एक दुकान से, 1 2 3 4, फिर 5 खरीदती है दूसरे दुकान से, 1 2 3 4 5, और इसको टोटल कितने हो गया, सबको काउंट कर देंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड वी राइट 9 हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी ऑल्सो राइट हियर 4 4, एंड 5 प्लस 5 4 9, एंड इट इज योर आंसर। Now I am going to teach children question number 3. There are 3 butterflies on one leaf. 3 butterfly एक लीफ के ऊपर बैठी हुई, एक पत्ती के ऊपर बैठी हुई है, 3 तितलियां, and 4 on the other, और 4 तितलियां बैठी है दूसरे लीफ पर, दूसरी पत्ती पर। How many butterflies are there in all on the 2 leaf? दोनों पत्तियों पर कुल मिलाकर कितनी बटरफ्लाई बैठी हुई हैं? दोनों को ऐड कर देंगे, सबसे पहले 3, तो 1 2 3 बना देंगे, नेक्स्ट है प्लस कर देंगे 4, 1 2 3 4, एंड वी काउंट ऑल टुगेदर ऑल ऑफ देम, द फर्स्ट 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एंड वी ऑल्सो राइट 3 प्लस 4, 3 4 3 मैं प्लस को 4 को ऐड करेंगे, रिजल्ट विल बी 7। नेक्स्ट, देयर आर 5 कप्स इन 1 ट्रे, एक ट्रे में 5 कप्स हैं, एंड 2 कप्स इन अनदर ट्रे, और दूसरे कप में 2 दूसरे, एंड 2 कप्स इन अनदर ट्रे, दूसरे ट्रे में 2 कप हैं। हाउ मेनी कप्स आर देयर ऑल टुगेदर, कुल मिलकर कुल कितने कप्स हैं? तो सबसे पहले 5 कप हैं 1 ट्रे में, 1 2 3 4 5 बना दिए, प्लस दूसरे में 2 हैं, तो 1 2, सबको मिलाकर काउंट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7
the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and we also write 5 plus 2, 5 plus 2 कितना हो जाएगा 7. Next, children question number 5. There are 4 cars parked near Ravi's house. रवि के घर के पास 4 कार पार्किंग पार्क है, मतलब रुकी हुई है. 2 मोर कार्स केम देयर, 2 और कार वहां आ गई. हाउ देयर एंड पार्क आकर के लग गई. हाउ मेनी कार्स आर नाउ देयर नियर रवि हाउस. अब कुल मिलाकर रवि के घर के पास कुल कितनी कारें हुई. तो पहले 4 कार्स, 1, 2, 3, 4, बाद में आई 2 कार, 2, 1, 2 ऐड कर देंगे. सबको एक साथ काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल हो गया. अब लिख देंगे यहाँ 4, 2 ऐड कर देंगे, 4 plus 2, 6 लिख देंगे, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 बॉयज वेयर रीडिंग इन द लाइब्रेरी. 6 लड़के पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में. 2 मोर ज्वाइंट देन, 2 लड़के और आकर उनके साथ ज्वाइन हो गए. हाउ मेनी बॉयज आर देयर नाउ, कुल मिलकर कि अब कितने बच्चे हो गए. रीडिंग इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुल मिलकर एक साथ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं. सबसे पहले 6 बॉयज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 2 और हो गया तो 1, 2, अब कुल मिलकर कितना हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड वी राइट 6 plus 2 equal to 8. बच्चों कुल 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें 6 मैंने बता दिया और होम असाइनमेंट के तौर पर मैं 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो गूगल क्लासरूम कोड मेरा है, इसको हम ही कर देते हैं और गूगल क्लासरूम कोड पर आप भेजिएगा करेक्शन करके, फिर हम आपको करेक्शन कर देंगे. अब इसी पर भेजना है होम असाइनमेंट जो हम दे रहे हैं. होम असाइनमेंट को भेजना है गूगल क्लासरूम कोड. कोड क्या है मेरा, HUA 4 3 W 6, यही है बच्चों जो होम असाइनमेंट हम लोड कर रहे हैं वीडियो के साथ. इस 4 क्वेश्चन देंगे होम असाइनमेंट को गूगल क्लासरूम कोड HUA 4 3 W S, HUW स्मॉल है और 436 नंबर है, इसी पर लोड करके भेजिएगा, हम करेक्शन करेंगे. और वहां भी उस पर भी मेरा है, उस पर आप लोग देख लीजिएगा और व्हाट्सएप पर भी देख लीजिएगा और करके ही कीजिएगा, भेजिएगा. और अब क्लास खत्म कर रहे हैं, फिर अगले क्लास में मेंटल मैथ्स पढ़ाएंगे, चूंकि चैप्टर 3 चैप्टर अप्रैल का सिलेबस से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, अब बाकी 4 से मई का सिलेबस है. अब इसके बाद मेंटल मैथ्स अगले हम क्लास में मेंटल मैथ्स आपको पढ़ाएंगे और होम असाइनमेंट करके गूगल क्लासरूम कोड पर आपको भेज देना है. ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मेनी मेनी थैंक्स टू यू ऑल.